हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। ये बहुत ही जल्दी और क्विक रेसिपी है, स्नैक रेसिपी है। आप कभी भी दोपहर में बच्चे जब रिटर्न होते हैं स्कूल से या कोई गेस्ट अचानक से आ जाता है, तब आप इसको ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए। बहुत ही इजीली बन जाती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है मैंने, उसमें मैं प्याज डाल दूँगी। इसको हमें चॉप करना है, तो यहाँ पे मैं एक प्याज ले रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको चटपटा बनाने के लिए 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ। अब इसको भी कम ज़्यादा बच्चों या बड़ों के हिसाब से कर सकते हैं। 2 टुकड़े अदरक के, और इसको अब मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये अच्छे से चॉप हो चुके हैं, आप देखिए। तो इसको मैं अब एक तरफ साइड में रख लूँगी। अब यहाँ पे एक बाउल में मैंने पोटैटोस को बॉईल करके रखा था, तो वो ले लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। पोटैटो हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें जो हमने ऑनियन, हरी मिर्च और अदरक का जो चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। अब मैं इन सब में ब्रेड क्रम्स डालूँगी। नॉर्मल जो हमारी ब्रेड होती है उसको जस्ट मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया था, तो वो ब्रेड क्रम्स में ले लूँगी बाइंडिंग के लिए। और अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक डो जैसा बना लूँगी। तो ये देखिए, हमारा ये आलू का डो रेडी हो चुका है। एक बाउल में मैं मैदा ले लूँगी, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 3 चम्मच यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, ऑरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स, इसको और थोड़ा अच्छा चटपटा बनाने के लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो हमने आलू का मिश्रण रेडी किया था उसके बॉल्स बना लूँगी। आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। मैं एक नींबू के साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ। ये सारे हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे बॉल्स को सबसे पहले मैदे के घोल में डिप करूँगी, उसको अच्छे से कोट करूँगी, और उसके बाद में उसको मैं ब्रेड क्रम्स में डाल के उसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर दूँगी। और इसको देखिए कुछ इस तरह से, अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसी तरह से मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख दिया था। तेल हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही गरम होना चाहिए, और जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। और बॉल्स डालने के तुरंत बाद आप इसको ना हिलाएं, कम से कम 5-10 सेकंड का उसको वेट दें और उसके बाद ही आप उसको हिलाएं, ताकि वो ब्रेक नहीं हो जाए, कुछ इस तरह से। और बहुत ही हल्के हल्के से हिलाना है, और ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे गोल्डन पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो इसको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। क्रिस्पी यम्मी पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसकी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।